तेरे को अभी आराम पड़ गया? आराम है। और तेरी पत्नी को अभी आराम पड़ गया? पड़ गया? तुझे पड़ गया बेटे? इसको भी पड़ जाएगा। क्या हो? एक घर और दिख रहा है जिसके घर के सामने पहले कभी कुआं था। घर में एंट्री करते ही राइट हैंड पे टीन डाल रखी है और उपले वगैरह भी रखते थे ये लोग। मुझसे आगे रसोई चूल्हा, कच्चा चूल्हा, आगे की तरफ तीन रूम और बरामदा बना रखा है। ए राइट साइड से जीना जा रहा है। ऊपर ऊपर कुछ बना रखा है? ऊपर कुछ ना है। घर के आसपास बताइए। थोड़ी थोड़ी दूरी दूरी पे घर बन रहे हैं। खुला सा एरिया है। टाइल वाला रोड है। एक वाइट सा घर बन रहा है। थोड़ी सी आगे जाके एक वाइट सा घर बन रहा है। इसी घर के सामने से सीधा तो उसी घर के सामने से सीधा रोड जा रहा है। उधर की तरफ एक येलो सा घर बन रहा है। फिर उसके आगे कोने पे पीला सा घर बन रहा है। दूरी दूरी पे घर बने हुए हैं। गांव गांव में है ये? तो गांव में किसी ने कलोनी काट दी? खेत में रहो या नहीं? कलोनी काटती है किसी ने? अच्छा, एक ही दादा की औलाद ने कई घर बना लिए थे। तो तुमने नई कलोनी काट दी मेरे यार? नहीं, तुम तो अपने अपनी जमीन में बहुत महंगे भाव बेच दोगे। एमसीटी वालों तो कुछ पैसे दिए थे, पुलिस वालों तो दिए थे। कौन से गांव में रहो तुम? हरियाणा में कि दिल्ली में? अच्छा, राजस्थान में रहो। राजस्थान के तो नेता अच्छे हैं, इसलिए पैसे ना लेते। भाई मारे यहाँ दिल्ली में होता है, तू नहीं कलोनी काट देता, तू या तो तू भीतर या तेरा पैसा भीतर है। खुश रहो। इनके घर से आ क्या रहा है ये बता दे। पुरानी दिक्कत चल रही है। एक तो समाधि बना रखी थी किसी ना किसी की, उसका दोष आ रहा है। या पीर वीर की है या किसी की, या किसी घर भर की बना रखी। पितरों को पूछते हैं साथ के साथ, उनके घर से तीन अंश आते हैं आपके घर से। चलिए भाई, चलिए अगला घर, अगला घर, अगला